तो बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, इसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। और आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एट्थ क्वेश्चन हमारी सीरीज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CBSE क्लास 12th। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो CBSE ने पूछा है 2008 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे बहुत जल्दी से। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू विद द वोल्टेज वी फॉर टू कैपेसिटर्स ए एंड बी विच आर एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इन विच कैपेसिटर इज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, क्यू और वी में ग्राफ है और दो कैपेसिटर हैं ए और बी, उनका ये ग्राफ है बेटा। और पूछ रहा है इनमें से कौन से कैपेसिटर पे ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी स्टोर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, है ना। अच्छा और क्या है क्या है क्या है सर, इसमें ग्राफ दे रखा है, फिर ये कह रहा है ए और बी में बताओ एनर्जी, और कहीं कुछ और दिया होगा। देखो 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 मैं बताता हूँ कैसे बेटा, मुझे कैसे पता और कुछ दिया होगा, और आपको भी ऐसे पता होना चाहिए बेटा। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर होता है क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। और इसमें पूछा क्या है कि किस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कि कौन से वाले में यू ज़्यादा है। तो उसके लिए बेटा आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है ए और बी का, यहाँ से आ जाएगा। अब वी और क्यू में से कोई एक चीज़ की कंडीशन आपको दी होगी बेटा, जरूर दी होगी। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है फॉर टू कैपेसिटर्स विच आर एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, मतलब कि उन दोनों ही कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है वो सेम है। अगर पहले कैपेसिटर को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है तो दूसरे को भी 5 से किया है, पहले को 20 से किया है तो दूसरे को भी 20 से कनेक्ट किया है। उन दोनों कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच है वो सेम है। ये नहीं कह रहा कि मैं हर जगह सेम है, हर जगह तो वोल्टेज बढ़ रहा है, तभी तो देखो अलग अलग आ रहे हैं ना, चार्ज बढ़ता जा रहा है, पहले कैपेसिटर बढ़ता जा रहा है दूसरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो बेटा आपको ध्यान से देखो दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी दोनों का सेम कर दिया, मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वी सेम है और वी को आप कॉन्स्टेंट रख देंगे तो वी यहां से खत्म, क्योंकि वी कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि वी दोनों का सेम है, दोनों को कंपेयर कर रहे हो। हाफ तो खैर दोनों के लिए ही सेम होगा, ये भी खत्म। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो गई बेटा कैपेसिटेंस के, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, सिंपल। लेकिन अगर यहाँ कहता कि दो कैपेसिटर हैं जिनमें इंस्टेंट पे जो है चार्ज सेम है, अगर क्या कहता कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज जो स्टोर्ड हो रहा है वो सेम हो रहा है किसी एक इंस्टेंट पे, अगर चार्ज सेम हो रहा होता तो क्यू स्क्वायर यानी कि इस वाले को लगाते हम, इसको सेम करते तो एक कांस्टेंट खत्म, नीचे टू कांस्टेंट खत्म, तो यू कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल आता, तो कहानी उल्टी होती बेटा। अगर चार्ज सेम होता तो कहानी उल्टी होती इन दोनों के लिए, समझ गए। ठीक, तो अब हमारा खेल सारा यहाँ रह गया कि बेटा सी किसका ज़्यादा है। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो बेटा, किसी भी ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक स्लोप दूसरा एरिया। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा ग्राफ के स्लोप की, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, ग्राफ के स्लोप की, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप है बेटा वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, आप देखेंगे बेटा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में अगर मैं स्लोप की बात करूँ, किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप निकालेंगे बेटा, आप निकालते हैं वाई अपॉन एक्स से। एक नॉर्मल भाषा में याद रखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है ना, मतलब खड़ा अपॉन पड़ा, ऐसा याद कर लो, है ना, खड़ा अपॉन पड़ा। देखो खड़े पे कौन है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो बेटा खड़े एक्सिस पे कौन है, अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखता हूँ बेटा, खड़े पे जा रहा है क्यू, और पड़े पे कौन है इस ग्राफ में, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पड़े पर है बेटा देखो वी, वी ये क्यू है खड़े पे, पड़े पर है बेटा वी, क्यू वी खड़ा अपॉन पड़ा वाई अपॉन एक्स। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर स्लोप की बात करूँ, क्यू अपॉन वी, पड़े पे कौन है बेटा वी है वी, ओके क्यू अपॉन वी। अब ये क्यू अपॉन वी क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, फेमस इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो बेटा क्यू अपॉन वी हो जाता है कैपेसिटेंस। क्या हो जाता है कैपेसिटेंस, अगर आप देखोगे तो क्यू अपॉन वी क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो क्यू अपॉन वी बेटा आप, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे,
तो Q बराबर सी वी, तो C हो गया Q अपॉन V। तो Q अपॉन V जो यहाँ पे आप निकल रहा है, स्लोप जो निकल रहा है खड़ा अपॉन पड़ा करके बेटा, वो कैपेसिटेंस हो गया। सिंपल। अब देखो किसका स्लोप ज़्यादा है बेटा, किसका ढलान ज़्यादा दिख रहा है आपको। अगर आप ढलान की बात करेंगे, ये B का, ये A का, सिंपल दिख रहा है A का। अगर आप कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है बेटा, देखो ये पॉजिटिव एक्सिस से एंगल छोटा बन रहा है इसका, इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, और दोनों ही एंगल एक्यूट हैं, तो बड़ा एंगल में टेन की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर एंगल एक्यूट है, अगर एंगल एक्यूट है। ओके, और यहाँ एक्यूट ही होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या हो गया, फ्रॉम ग्राफ, अगर आप ग्राफ को ध्यान से रीड करते हैं तो आप देखोगे पहले का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ऑफ फर्स्ट यानी ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी यानी सेकेंड। ए का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप क्या देता है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस ज़्यादा है दूसरे वाले से। ये बात क्लियर हो गई अभी आपको मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शायद जा रहा होगा नीचे कहीं, गायब तो नहीं हो रहा, ये हो गया होगा यहाँ गायब। देखो बेटा स्लोप ज़्यादा है, बात समझ में आती है। तो इससे क्या बात निकली सर, इससे ये बात निकली कि सर अगर स्लोप ज़्यादा है तो पहले का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा दूसरे से। अच्छा जी, कैपेसिटेंस पहले का ज़्यादा है, वोल्टेज दोनों की सेम है, तो एनर्जी तो ये है, इसका मतलब पहले पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी दूसरे के बजाय। आंसर आपका खत्म। 3 नंबर में क्वेश्चन है, बताओ मजाक कर चल रहा है कोई, जो कोई मजाक है। सिंपल खत्म। ओके टाटा बाय बाय। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये सिर्फ ग्राफ का आपका कॉन्सेप्ट चेक करने वाला है, एग्जामिनर बस ये देखना चाहता है कि आपको ग्राफ की नॉलेज है कि नहीं है। अगर आपको ग्राफ आता है, और यहां पे देखो ये एक लाइन लिखी थी, इस चक्कर में आपका बस हो गया, और थोड़ा सा उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला वॉर्मूला पूछ लिया, काम खत्म। तो ऐसे ध्यान रखने, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर यहां पे लिखा है कि चार्ज सेम है तो बेटा बहुत ध्यान से करना, अगर चार्ज सेम है तो फॉर्मूला बेटा कहां गया, रे मैंने लिखा तो था, ये रहा देखो, यू बराबर क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। अगर चार्ज दोनों पे सेम होता तो ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, तो यू और सी रेसिप्रोकल होते, फिर जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता उस पर एनर्जी कम होती अगर चार्ज दोनों पे सेम होता। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को झेला, देखा गिर गया मार कर, गया पानी में। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।